सवाल है जो आज हम चर्चा करते हैं क्लास में, फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अक्सर सवाल जवाब हम करते रहते हैं, हमने सोचा है कि कुछ कुछ चीज़ें ऑन रिकॉर्ड भी कर लिया करेंगे। बच्चे का सवाल यह है ग्रुप में कि गुड आफ्टरनून तो बच्चा कहता ही है, अच्छी बात है सर। सीएम भगवंत मान जी ने किस बेसिस पर 1 लाख करोड़ का स्पेशल पैकेज मांगा है सेंट्रल गवर्नमेंट से? क्या सिर्फ ये रीज़न देना वैलिड है कि पंजाब स्टेट फाइनेंशियल क्रंच में है, तो एज अ पार्ट ऑफ इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट इज बाउंड टू हेल्प द स्टेट इवन इफ द रूलिंग गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट इटसेल्फ ऑफर्स पब्लिक विद डिफरेंट फ्री एड्स वेदर इट वॉज फॉर द वुमेन और फॉर द इलेक्ट्रिक यूनिट्स? इट वॉज दे हु अर्लियर क्लेम दैट पंजाब इज सफरिंग फ्रॉम करप्शन फ्रॉम मैनी इलीगल वर्क्स एंड बिफोर डूइंग एनी थिंग इन दैट डायरेक्शन दे आर ट्राइंग टू सीक द हेल्प ऑफ सेल्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकेंड सर, इफ इट इज़ द ओनली वे टू सॉल्व द सिचुएशन देन वाई वुड आई लुक फॉर एनी होप ओनली फ्रॉम आम आदमी पार्टी? दिस कुड बी डन बाई एनी वन एल्स टू। आई बिलीव दैट सी एम मस्ट हैव परफॉर्म समथिंग फ्रॉम देयर साइड फर्स्ट एंड लेटर इफ आफ्टर ट्राइंग हार्ड टू ओवरकम द सिचुएशन ही फेल्स देन देयर दिस डिमांड वुड माइट साउंड गुड। थैंक यू सर। मुद्दे का सवाल ये है कि भाई उनका कहना ये है कि अभी उन्होंने काम किया नहीं है, अभी परफॉर्मेंस नहीं किए, जो वायदे किए थे उन पर डिलीवर कुछ नहीं किया, और शुरुआत में जाकर के केंद्र से इन्होंने ये 50-50 हज़ार करोड़ के दो साल लगातार कुल 1 लाख करोड़ का मांग लिया है। किस आधार पर मांगा है? और अगर इसी तरह से इन्होंने जो वायदे किए थे, चाहे वो 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वायदा था, चाहे महिलाओं के खाते में 1,000 रुपया डालने का वायदा था, चाहे ग्रुप सी और डी के एम्प्लॉइज़ को परमानेंट करने का वायदा था, या नए रोज़गार धंधे निकालने का वायदा था, जो भी था इनके द्वारा जो ये जो वायदे किए गए, अगर उनकी पूर्ति करने के लिए रेवेन्यू ही नहीं था, इन्होंने पहले बताया नहीं, और अगर इस तरह से केंद्र से ही पैसे लेकर के उन वायदों को पूरा करना है, तो अगली बार फिर ये ऐसे वायदे करके जीत जाएंगे। तो ये तो कोई भी सरकार कर सकती थी कोई भी सरकार कर सकती थी अगर केंद्र से ही लेकर के करना था, तो आम आदमी पार्टी में अलग क्या, नया क्या? तो तकनीकी क्वेश्चन भी बनता है कि किस आधार पर मांग लिए, केंद्र क्यों दे, और क्या बेसिस क्या बनता है मॉरल और टेक्निकल, और अगली बात की क्या ऐसे ही चलना चाहिए था, पहले काम नहीं करना चाहिए था, ये सवाल था। कुछ कुछ सवाल और थे। एक हमारे छात्र हैं, उनका सवाल ये था कि सर जो प्रधानमंत्री हैं वो काफ़ी हद तक राज्यों के स्तर पर उनकी पार्टियों की जो रैलियां होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको उनके ऑफिस के तहत जो उनके काम में कमी आती है, देश के प्रति जो उनके जॉब में परफॉर्मेंस में वर्क डेज लूज होते हैं, उसकी कॉम्पनसेशन कैसे होता है? फिर वो जो उतने मैन डेज, उतने वर्किंग डेज वो नहीं काम पर रहते हैं, वो कैसे कॉम्पनसेट होता है, वो कैसे काम चलता है फिर? और दूसरा सवाल उनका ये था कि भाई सर ऐसा हो जाता है कि फेवरेटिज्म का ट्रेंड रहता है, जिसकी केंद्र में पार्टी है राज्य में भी उसकी पार्टी अगर हो तो फेवरेटिज्म होता है। अगर ये सवाल आज ये उठ रहा है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार है, वो केंद्र से मांगे तो हो सकता है केंद्र आनाकानी करें, पर यही चीज़ अगर बीजेपी की सरकार पंजाब में होती और वो बीजेपी से केंद्र से मांगती कुछ, तो शायद इतना बखेड़ा बनता भी ना। ऐसे कुछ 2-3 सवाल थे, इनके जवाब हम देना चाहते हैं। आप इन जवाबों को ध्यान से समझें। देखिए, सबसे पहले आप ज़रा समझें, पहला सवाल किसी के मन में भी कौन आएगा। बीजेपी के मनिंदर सिंह सिरसा ने भी ये कहा कि भाई आम आदमी पार्टी के द्वारा ये जो किया गया है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, पहले काम करते फिर कुछ मांगते, और अगर केंद्र से ही मांग के करना था तो फिर पहले सच स्वीकार करते कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन पहले वायदे करते रहे और कहते रहे हम करप्शन घटा के पैसा कमा लेंगे और फिर सारे वायदे पूरे करेंगे, तो करिए फिर, मांग क्यों रहे हैं? और उनकी बात हो सकता है बहुतों को जायज़ भी लगने लग जाए। पढ़ने लिखने का कोई फ़ायदा तो होता है, आपको पढ़ना लिखना चाहिए, तब आप ऐसे भ्रमों से बचते हैं। वो कैसे बचेंगे मैं आपको समझाता हूँ। बस पहला ही मेरे दिमाग में सवाल अगर आता है इनकी बात सुन के कि पंजाब के मुख्यमंत्री का अधिकार ही क्या बनता है, आधार ही क्या बनता है देश से, यानी कि केंद्र से इस तरह से पैसा मांगने का, वो भी शपथ लेने के कुछ ही दिन के बाद। चलिए कुछ सवालों के जवाब मांगते हैं आपसे। देखिए, जब भारतीय प्रधानमंत्री भारतीय मंचों पर और विश्व स्तर पर जा कर के यह वचन देते हैं, यह संकल्प भी देते हैं कि हम भारत को 2024 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे, तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि वो ये जो वायदा उनके द्वारा किया जाता है, इसे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत को बनाने के लिए सही स्तर पर जो प्रोडक्शन होगी, जो डेवलपमेंट होगी, वो असल में यूनिट ऑफ प्रोडक्शन
यूनिट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि वो किस स्तर पर होगी जो कि भारत फिर $5 trillion इकोनॉमी बनेगा। वो प्रोडक्शन भारत के या तो किसी न किसी राज्य में ही होगी या किसी यूनियन टेरिटरी में होगी। और देखा जाए तो भारत में मेजॉरली राज्य ही हैं। तो महाराष्ट्र ग्रो करेगा, गुजरात ग्रो करेगा, केरला तमिलनाडु ग्रो करेगा, बंगाल ग्रो करेगा, पंजाब ग्रो करेगा। जब ये सभी अपने अपने स्तर पर पैदावार करेंगे बेहतर, खेती बाड़ी का विकास होगा, यातायात का, ट्रांसपोर्टेशन का इन क्षेत्रों में विकास होगा, स्किल डेवलपमेंट्स का, ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होगा इन क्षेत्रों में, बेहतर कंजम्पशन होगी क्योंकि लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर होगी, तो बेहतर सप्लाई सिस्टम भी डेवलप होगा, बेहतर इंजीनियरिंग, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर टेक्निकल पर्सोनल और स्किल्स की वजह से विदेशी निवेश भी आएगा, और जिसकी वजह से अच्छे खासे फॉरेन रिजर्व्स होंगे और हम विश्व भर के बाज़ारों को कवर भी कर पाएंगे। चलिए, ये सारी बहुत सारी अर्थव्यवस्था की बातें, उसके डिटेल में नहीं जाना, पर ये होगा तो राज्यों के ही स्तर पर। मतलब अगर मैं $5 trillion इकोनॉमी को 5 लाख रुपये की एक इकोनॉमी मानूँ जो भारत बनना चाहता है, तो 1 लाख रुपये की इकोनॉमी अगर महाराष्ट्र बनेगा, 1 लाख रुपये की इकोनॉमी तमिलनाडु बनेगा, 1 लाख रुपये की इकोनॉमी बंगाल बनेगा, 1 लाख रुपये की इकोनॉमी अगर आसाम, अरुणाचल, उत्तर पूर्व के सभी राज्य बनेंगे, और 1 लाख रुपये की इकोनॉमी पंजाब बनेगा, तो जाकर के कुल 5 लाख रुपये की वो इकोनॉमी विश्व भर में भारत बनेगा। यदि भारत को 5 लाख रुपये की इकोनॉमी बनना है, तो इन राज्यों को 1-1 लाख की इकोनॉमी पहले तो बनना जरूरी है। राज्यों, इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ द स्टेट्स। इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ द स्टेट्स। स्टेट्स का यदि विकास है तो भारत का विकास है, इंडिया का विकास है। तो पहला तो तर्क ये है कि हम जब भारत और भारतीय राज्यों को आपस में देखते हैं, हमें ये समझना होगा कि संविधान में किस तरह से इन्हें देखा गया है आपस में, इन्हें आपस में कैसे जोड़ा गया है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है सेंटर और स्टेट के बीच के फाइनेंशियल रिलेशंस, जिसमें टैक्सेस और रेवेन्यू बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। अगर आप भारत और भारतीय राज्यों के बीच के संबंधों को देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। भिन्न भिन्न प्रकार के टैक्सेस हैं। कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जिन्हें लगाता तो केंद्र है, सेंटर, उन्हें कलेक्ट स्टेट करता है और कलेक्ट करके दे सेंटर को देता है। आई बात समझ में? जिन्हें लगाता तो केंद्र है, उन्हें कलेक्ट स्टेट करता है और कलेक्ट करके रख भी खुद लेता है। जिन्हें लगाता तो केंद्र है, उन्हें कलेक्ट भी केंद्र करता है लेकिन दे राज्यों को देता है। जिन्हें लगाता तो केंद्र है, उन्हें कलेक्ट भी केंद्र ही करता है और रख भी खुद अपने पास ही लेता है। जिन्हें लगाता तो राज्य है, उन्हें कलेक्ट केंद्र करता है और दे राज्यों को देता है। इस तरह से कई व्यवस्थाएं बनाई गई हैं सेंटर और स्टेट के बीच के रेवेन्यू रिलेशंस, टैक्सेशन रिलेशंस को लेकर के, टैक्सेस को लेकर के। यदि ध्यान से देखा जाए तो चाहे कस्टम ड्यूटी है, जैसे कि चीज़ों के आने जाने पर, एक्सपोर्ट हो रहा है या इम्पोर्ट हो रहा है, भारत में कोई भी चीज़ प्रवेश कर रही है या भारत से जा रही है, निर्यात आयात के ऊपर लगने वाला वो जो शुल्क है उसे आप कस्टम्स कहते हैं। इसी तरह से एक्साइज ड्यूटी है, किसी भी तरह की कोई एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं, अर्थात आप कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उस पर लगने वाली ड्यूटीज़ हैं। इसी तरह से सेल्स टैक्स हुआ करता था, फिर धीरे धीरे बदल के वैट आ गया, वैल्यू एडेड टैक्स आ गया, और अब तो कई तमाम इनडायरेक्ट टैक्सेस ख़त्म करके GST आ गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आ चुका है। ये सारे जो बात हम की है इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसके अलावा डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम टैक्स आ जाता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण टैक्स है, और कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स, ये महत्वपूर्ण है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ जलंधर में बैठा हूँ और मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी काम आमदनी तो यहाँ है, लेकिन इनकम टैक्स जहाँ कहाँ रहा है बताइए मुझे। ये विभाग किसके पास है? केंद्र के पास। जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन है CBDT, मैं तो उसी की वेबसाइट्स पर जाकर के ये सारा टैक्सेशन का काम करता हूँ। लेकिन जब मैं आज जलंधर में ये व्यापार कर रहा हूँ, मुझे बताओ बच्चों, मेरा ये व्यापार जो चल रहा है जलंधर में, मुझे यहाँ तक आने के लिए जो ये सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट रोड है, म्यूनसिपैलिटी के अंदर आने वाली ये जो सड़क है, ये किसने प्रदान की? स्टेट ने। सड़क है तो मैं यहाँ तक आ पाया, यहाँ पर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, सेफ्टी और सिक्योरिटी है, पुलिस व्यवस्था है, ये किसने प्रदान की?
स्टेट ने, आप दिन रात आ जा रहे हैं, बसों पर यात्रा कर रहे हैं, वो सर्विसेज किसने प्रोवाइड की? तो मेरा कोचिंग चल रहा है ना? अच्छा, ये जो बिजली यहाँ पर आ रही है और जिस बिजली के दम पर हम इंस्टीट्यूट चला पा रहे हैं, ये किसने प्रदान की? स्टेट ने। तकरीबन ये सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा का सारा प्लेटफॉर्म स्टेट के द्वारा अवेल कराया गया है और मैं काम कर रहा हूँ और मेरी एक फिर इनकम जनरेट हो रही है जिसके वाया मैं टैक्सेस दे रहा हूँ। उन्हें लिवाए कौन कर रहा है, यानी कि उन्हें लागू कौन कर रहा है, उनको कलेक्ट कौन कर रहा है और अप्रोप्रिएट कौन कर रहा है, वो एक अलग विषय है। लेकिन कर तो मैं काम इस राज्य में ही रहा हूँ और वो राज्य के स्तर पर किए जा रहे काम से आमदनी जो है उन्हें राज्य केंद्र कलेक्ट कर रहा है और बाद में हो सकता है केंद्र और राज्य में वो बांट लिया जाए। लेकिन मुद्दे की बात ये आ जाती है कि अगर आज सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, PDS मैकेनिज्म, जिसके तहत वो 80-85 करोड़ लोगों को ऐसा सरकार दावा करती है कि भोजन वितरण कर रही है मुफ्त में या फिर सस्ते दामों पर, वो भोजन राज्यों से ही प्रक्योर हो रहा है, उस भोजन की पैदावार की जिम्मेदारी राज्यों की ही है और भारत में पंजाब हरियाणा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है सेंट्रल पूल का, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का केंद्रीय पूल है, द बोथ आर द स्टेट्स आर द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर। ऐसे में उन किसानों को बिजली मुहैया कराना, उन किसानों के लिए मंडियों का विकास करना, उन किसानों तक पहुँच सड़क बनाना, उन किसानों की रेगुलर नॉलेज बिल्डिंग, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ बना करके अच्छे बीज, अच्छा ज्ञान, उन्हें शिक्षा, ये सब देने का काम, लगातार नए नए चीज़ों का डेमोन्स्ट्रेशंस करना, रिसर्च सेंटर्स ओपन करना फसलों के क्षेत्र में, ऐसे तमाम लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसी चीज़ें प्रदान करने की जिम्मेदारी में राज्य अहम भूमिका निभाते हैं। अहम से भी अधिक मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रिंसिपल और प्राइमरी रोल राज्य निभाते हैं। उसके बाद जा करके वो पैदावार होती है और वो केंद्र उसे कलेक्ट करके अपनी योजनाओं की पूर्ति करता है। तो राज्य, यदि भारत के संबंध देखें राज्यों से, तो भारत राज्यों के बिना क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कृपया मुझे बताएं, भारत का अस्तित्व राज्यों के बिना क्या होगा? इसलिए तो कहा गया है कि इंडिया, दैट इज़ भारत, इज़ अ यूनियन ऑफ द स्टेट्स। भूलिए मत इस बात को, आई बात समझ में? अगर मैं एक शरीर हूँ, मैं एक शरीर हूँ, तो मैं एक यूनियन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ही तो हूँ, उनके बिना मैं कैसा शरीर होऊंगा, आप मुझे बताइए। तो राज्य का संकल्प जो लिया है संविधान ने, बहुत बहुमूल्य लिया है। ऐसे में वो भारत जो निरंतर प्रगति करते आ रहा है, उस प्रगतिशील भारत में निरंतर एक बड़ी भूमिका उस भारत के किसी एक राज्य ने हमेशा निभाई होगी, जैसे कि पंजाब ने। तो पंजाब की सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन जब बात शब्द सरकार की आती, तो एक पंजाब और उसकी एक सरकार। केंद्र में सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, लेकिन एक सवाल आता है, एक केंद्र और उसकी एक सरकार, यानी कि एक देश है, एक देश की सरकार। राज्य की सरकार का ये पूरा अधिकार बनता है कि वो केंद्र की सरकार से अपने लिए मदद मांगे, इसमें कोई छोटा बड़ापन नहीं होता। अगर आप संवैधानिक प्रक्रिया को देखें तो किसी ने मदद मांगी वो छोटा हो गया या कोई मदद दे करके बड़ा हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये संबंध चलता ही इस तरह से है, अदरवाइज ये चलेगा ही नहीं। भारत ने अगर बेहतर GDP ग्रोथ रेट देखा है, मैं आपको आज कुछ आंकड़े भी दिखाना जरूर चाहूँगा, मेरे पास आंकड़े अभी फ़ोन में हैं भी, मैं आपको भी दिखा भी दूँगा। भारत ने अगर बेहतर GDP ग्रोथ रेट अचीव किया है, भारत ने अगर ग्रीन रेवोल्यूशन अचीव किया है, भारत ने अगर बेहतर बफर स्टॉक्स और फूड ग्रेन सेक्टर में सिक्योरिटी अचीव की है, तो उसमें अहम भूमिका पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और उनके किसानों की पैदावार की है। उन किसानों ने अपनी गाढ़ी कमाई से ट्यूबवेल से लेकर के मैकेनाइजेशन, यानी कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर मशीन, थ्रेशर, कंबाइंस तक निवेश किया, तब जाकर के भारत इतने बड़े स्तर की पैदावार कर पाया। और उसी बढ़ी हुई पैदावार का आज नतीजा है कि भारत भर में से अकाल खत्म हो गए, यानी कि दुर्भिक्ष खत्म हो गए। भारत भर में आज सूखे क्षेत्रों तक भी अनाज पहुँचता है। भारत भर में आज कोरोना के काल में सरकारें अनाज मुहैया करवा पाई। यदि यही अनाज पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत ना पैदा करता, हमारी निर्भरता विदेशी मुल्कों पर होती, जैसा कि 1962
और 65 की 1962 की इंडो चाइना और 1965 की इंडो पाकिस्तान के युद्धों तक हमारी निर्भरता अमेरिका से आने वाले PL-482 नाम के पैकेज पर थी और जिसका लाभ अमेरिका ने उठाया हमारी मुक्त नीतियों पर, हमारी फ्री डिसीजन मेकिंग के ऊपर उसने इंटरवेंशन करके हम पर हमारी नीतियों को बदलने का दबाव बनाया, चाहे वो चीन के साथ युद्ध था या बाद में पाकिस्तान के साथ युद्ध। इसलिए हमने जब देखा कि हमारी संप्रभुता, हमारी सॉवरेनिटी पर अटैक होता है विदेशों पर निर्भर होने से, तो हमने इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जिसकी शुरुआत 1962 से हो चुकी थी, उसे चलाया था और 1967 में ये ग्रीन रेवोल्यूशन का फल दे करके गया। आज भारत अपने राज्यों से जितनी चाहे फसल ले करके उसका वितरण करे, संप्रभुता का सवाल कभी नहीं आएगा। आज पंजाब और हरियाणा इस फसल को देने के नाम पर भारतीय सरकार की नीतियों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, फॉरेन पॉलिसी को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, भारतीय सरकार को वीक नहीं कर सकते। आप ये कहें कि भारत सरकार यदि संपन्न है तो क्या ही ज़रूरत है ये राज्य ना भी पैदा करें, ज़रूरत यह है कि फिर आप अमेरिकी, अफ्रीकी और कई मुल्कों पर निर्भर होंगे अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। आपकी संप्रभुता, अखंडता और स्वतंत्रता पर यह करारा आघात हो जाएगा। तो ऐसे में प्रत्येक राज्य की भारत की इस विकास यात्रा में अपनी एक भूमिका रही है। भारत राज्यों से अभिन्न कहाँ था, कभी था ही नहीं। भारत अगर 3.5% की हिंदू GDP ग्रोथ रेट 1990 तक जो थी उससे बाहर आया है, आज 7.5-8% की ग्रोथ भी भारत ने देखी, उसमें ये जितनी भी MSMEs रही हैं पंजाब के क्षेत्र की और हरियाणा के क्षेत्र की, खासतौर पंजाब का हैंड टूल सेक्टर रहा है, हैंडलूम सेक्टर से आगे पावर लूम सेक्टर, होइजरी इंडस्ट्री रही है लुधियाना की, ये सारा का सारा सेक्टर बड़ी भूमिका निभा करके गया है भारत में उद्योग जगत के विकास को लेकर के। तो ऐसे में अनेकों उदाहरण आपको दे सकता हूँ जिसमें प्रत्येक राज्य अपनी एक भूमिका निभाता है। ऐसे में यदि एक राज्य प्रगति करता है तो देश प्रगति करता है, और यदि राज्य बैंकरप्ट होते चले जाते हैं तो जो भारत का संकल्प है $5 trillion इकॉनमी बनने का, तो वो भी संकल्प नहीं पूरा हो पाएगा। यदि राज्य बैंकरप्ट हो जाएंगे, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर भारत में पंजाब के क्षेत्रों में भारी भरकम निवेश NRIओं के द्वारा किया गया, यहाँ पर ज़मीनों की कीमतें महंगी हुई, यहाँ पर लोगों के पास वेल्थ आई और उस वेल्थ की वजह से लोगों ने बेहतर कंजम्पशन पैटर्न को अपनाया, बड़े पैमाने पर लाइफस्टाइल चेंजेस हुए और उसकी वजह से चीज़ों का कंजम्पशन बढ़ा और इसकी वजह से एक अच्छा खासा ट्रांसफॉर्मेशन आया डिमांड में, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं हर पंजाब में विदेशी निवेश अलग अलग क्षेत्रों में आपको नज़र आता है और प्राइवेट निवेश भी नज़र आता है। आज अगर जगह जगह पर आपको KFC की फ्रेंचाइज नज़र आती हैं, मैकडोनल्ड नज़र आता है, सबवे नज़र आता है, उसका कारण यह है कि पंजाब में NRIओं ने बड़े स्तर पर निवेश किया। आज यहाँ पर भूमि की कीमत देखिए, आप अगर ज़मीन को देखें तो उसकी जो कीमत से लोगों के पास पैसा आ रहा है उसकी वजह से वो कई तरह की चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं। तो आज जो पंजाब एक कंज्यूमर के रूप में बैठा है, तो आदित्य बिरला ग्रुप के तहत बनी हुई जो कंपनी है उसका कपड़ा आज जलंधर के मॉल टाउन के बाज़ार में बिक रहा है, क्योंकि पंजाब के कंज्यूमर का लेवल उतना बना है तभी जाकर के वो कपड़ा बिक रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि आदित्य बिरला ग्रुप की वो कंपनी हो सकता है कोयम्बटूर में लगी हो, पंजाब आज कोयम्बटूर का कपड़ा कंज्यूम कर रहा है, पंजाब आज महाराष्ट्र में बनी हुई कंपनियों की चीज़ों को कंज्यूम कर रहा है, पंजाब आज भारत भर में लगी हुई कंपनियों की गाड़ियों को कंज्यूम कर रहा है। मुझे बताइए महिंद्रा की सेल्स का पंजाब में लेवल क्या है, मुझे बताइए रॉयल एनफील्ड की सेल्स का लेवल क्या है, मुझे बताइए टोयोटा का लेवल क्या है। अगर आप पंजाब की बात करें तो मैं अकेले जलंधर की बात करता हूँ, इसे एशिया की मर्सिडीज़ सिटी कह के पुकारा जाता है। इन कंपनियों का कंजम्पशन का लेवल क्या है, तो हाई स्किल्ड जॉब्स, हाई स्किल्ड एग्जीक्यूटिव जॉब्स, हाई एंड यानी कि हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, बड़े पैमाने पर कंपनी, उनके शोरूम्स, उनकी एजेंसियों को ओपन करना, ये सब चीज़ों में पंजाब की भूमिका रही है। तो पूरे भारत की अर्थव्यवस्था में उसने योगदान दिया, ऐसे कैसे विकास कर जाता पूरा भारत, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। वो कंपनियां भारत के किसी भी क्षेत्र में लगी हों, यदि उन्हें ये दिखता है कि वो जो प्रोड्यूस करेंगी वो भारत के राज्यों में बिकेगा ही नहीं, तो वो कंपनियां उस क्षेत्र में भी कैसे लग जाएंगी। कंपनी यकीनन ही महाराष्ट्र के, आंध्र प्रदेश के, आंध्र तेलंगाना के किसी बंदरगाही इलाके में लग सकती है, लेकिन मुद्दा ये है कि उसकी कंजम्पशन तो उत्तर भारत में हो रही होगी, दक्षिण भारत में हो रही होगी, तभी तो उसकी वजह से परिवर्तन आया है। तो हमें ये समझना ज़रूरी है, आज अगर PVR यहां पर आ रहा है, DLF यहां पर आ रहा है, बड़ी कंपनियां, हेड ऑफिस दिल्ली हो सकता है, गुड़गांव हो सकता है या बॉम्बे हो सकता है,
लेकिन पंजाब की लगातार आ रही सरकारों के किए गए प्रयासों के दम पर और पंजाब के लोगों के द्वारा किए गए निवेश के आधार पर ही तो एक माहौल बना ना कि वो यहाँ पर आज आ पा रहे हैं, उनको यहाँ पर अपना बायर नज़र आ रहा है। आज अगर यहाँ पर ओमेक्स की सिटी बन रही है, आज अगर यहाँ पर DLF के फ्लैट्स बन रहे हैं, आज अगर यहाँ पर PPR ग्रुप फ्लरिश कर रहा है और उसके साथ आकर के बड़े बड़े OLX ग्रुप या दूसरे ग्रुप्स वेंचर कर रहे हैं, तो उसका कारण तो यही है ना कि यहाँ पर लोगों की जेब में पैसा आया, यहाँ पर व्यापारी बढ़ा, उद्योग धंधे बढ़े, दुकानें लगी, मॉल खुले, ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश हुआ, लोगों के पास पैसा आया, तभी तो वो सारी सोसाइटीज़ उभर रही हैं। तो वो जो कंपनी कहीं भी बेस्ड हो लेकिन वो पंजाब से मुनाफा कमा रही है तो इसीलिए, और वो कंपनियां ही शेयर मार्केट में लिस्टेड होती हैं और उन्हीं की परफॉर्मेंस के दम पर आप भारतीय शेयर बाज़ार की परफॉर्मेंस को आँकते हैं, फिर उसी के हिसाब से विदेशी निवेश और भारतीय लोगों का निवेश शेयर बाज़ार में आता है, और ऐसे में तो फिर पंजाब की एक अहम भूमिका उस शेयर बाज़ार में भी है, और वही शेयर बाज़ार के दम पर भारत की एक छवि है विश्व स्तर पर कि भारतीय शेयर बाज़ार बहुत बेहतर परफॉर्म करता है, उसे अच्छी क्रेडिट रेटिंग्स मिलती हैं, इसकी वजह से अच्छा निवेश आता है, भारत के पास अच्छा खासा फॉरेन रिजर्व आता है, जब भारत के पास अच्छा फॉरेन रिजर्व होता है भारतीय रुपये की कीमत मजबूत होती है, ऐसे में हम अपने इम्पोर्ट बिल को बेटर वे में सपोर्ट कर पाते हैं, हम जो चीज़ें आयात कराते हैं हम उनका खर्चा दे पाते हैं, उनके बिल पे कर पाते हैं। एक आप एक राज्य को एक देश के साथ जब जोड़ करके देखेंगे संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से, राजनीतिक आर्थिक प्रक्रिया के माध्यम से, आप ये समझेंगे कि देश राज्यों के बिना नहीं होता। तो राज्यों को भी ये चाहिए, को ये देखना है कि फिर उनके विकास का यदि लाभ देश को है तो उनकी अवनति की परिस्थितियों में फिर देश ही आगे आता भी है, ये बड़ी चीज़ है। तो इस आधार पर ये कोई भी अनुचित मांग नहीं है। आप यदि ये मांगे कि भाई आपको 50-50 हज़ार करोड़ के दो पैकेज दे दिए जाएँ, उसका लाभ किसको मिलेगा? अंततः देश को ही मिलेगा। अगर हम पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके आएँ तो उसका लाभ देश को ही मिलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अब मैं आपको समझाता हूँ, भगवंत मान, देखिए पहली बात मैं बता दूँ भाई कि मैं कोई आम आदमी पार्टी सपोर्टर या ओपोनेंट नहीं हूँ, ना ही मैं BJP सपोर्टर और ओपोनेंट हूँ, ना ही मैं कांग्रेस का सपोर्टर या ओपोनेंट हूँ। हम तो उस भगवान की भी खुशामदी नहीं करते, इंसान तो बहुत दूर की बात है। प्यार हम दे सकते हैं, इज्जत देते हैं, जिसको लेनी आती है उसे पूरा देते हैं, खुशामदी हम किसी की नहीं करते। हम अपने भी सपोर्टर नहीं हैं, आई बात समझ में? वी आर नॉट सपोर्टर ऑफ एनीवन, हम देश के सपोर्टर हैं बस। तो ऐसा लगे कि भाई मैं भगवंत मान पता नहीं किनका कैंपेन कर रहा है, मैं ठोक के बताता हूँ मैंने वोट नहीं किया आम आदमी पार्टी को, बस सीधी सी बात है। अब सुनिए ध्यान से, भगवंत मान जो हैं उनका आपने पूरा बयान नहीं सुना, उन्होंने पूरा बयान यह दिया था कि पंजाब जो है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन किसी छुपी नहीं है, आप उनकी बाइट सुन लेना। तो उन्होंने ये कहा था कि 2 साल हमने अभियान शुरू कर दिया, जैसे कि पेंशन का प्रावधान जो मल्टीपल पेंशन विधायकों को दी जाती थी हमने ख़त्म कर दी, 85 करोड़ रुपये की बचत अब वहाँ से होगी। ग्रुप सी और डी के 35,000 कर्मचारी पक्के कर दिए, उनको रेगुलर इनकम आएगी। ये सब उन्होंने नहीं बोला, ये जो 85 करोड़ बचेगा पक्के कर दिए ये बोला। अब जो मैं चेन इफेक्ट समझा रहा हूँ ये मेरा, कि उनके पास रेगुलर इनकम आएगी, वो डिमांड क्रिएट करेंगे, सप्लाई सिस्टम बढ़ेगा तो रेवेन्यू जनरेट होने लग जाएगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा आएगा तो डिमांड क्रिएट करेंगे ऑब्वियसली, और 25,000 नई नौकरियों का सृजन होने जा रहा है, इससे भी लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो लोग डिमांड क्रिएट करेंगे, इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा, नई नई डिमांड। आप देखिए आपके हाथ में रोज़गार आएगा, सबसे पहली चीज़ ही देखो आप घर खरीदना चाहोगे, और जैसे ही घर खरीदने की बात हुई सुमेधा का कारोबार बढ़ जाएगा, आप उन्हें प्रोजेक्ट देंगी आर्किटेक्चर के, आप कंस्ट्रक्शन के लिए सीमेंट मांगेंगी, आप ब्रिक्स मांगेंगी, आप सरिया मांगेंगी, आप कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज स्टोन कॉन्ट्रैक्टर की, प्लम्बर की, इलेक्ट्रीशियन की, सबकी मांगेंगी। एक आपको मैं अगर 30,000 की 20,000 की पक्की नौकरी देता हूँ, आप फिर एक घर लेते हैं, और एक घर से फिर कितने लोगों का उद्योग धंधा चलता है अंदाज़ा लगाइए। तो जब हम लोगों की जेब में पैसा डालेंगे, लोग डिमांड क्रिएट करेंगे, और जब डिमांड क्रिएट करेंगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा राज्य का। लेकिन देखिए समझिए इस बात को कि सरकार के किए जाने वाले सभी के सभी कार्यक्रमों के नतीजे 2-3 साल लगेंगे आने में, मतलब अर्थव्यवस्था। उन्होंने ये कहा कि हम जो प्रयास अब करने शुरू करेंगे 2 साल मिनिमम हमको चाहिए उसके रिजल्ट्स रिफ्लेक्ट कराने में। ये तो आप भी हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि तैयारी से पहले आपने अपने घर वालों से वायदा किया था कि जब तैयारी हो जाएगी मैं बहन की शादी भी करा दूंगी, मैं भाई को भी पढ़ा लिखा करके सेटल कर दूंगी, मैं आप लोगों को अच्छा घर भी ले दूंगी और हमारे घर के सारे परिस्थितियाँ बदल जाएंगी, लेकिन लाइन क्या है, जब मैं बन जाऊँगी,
ठीक है। अब मुद्दे की बात यह है कि आपके बनने तक के लिए उनको आपकी फ़ीस तो देनी पड़ेगी, आपकी किताबें तो देनी पड़ेंगी, आपकी रोजी आपकी रोटी का खर्चा तो देना पड़ेगा, घर और एकोमोडेशन तो देना पड़ेगा। अब वो मुख्यमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य के रेवेन्यूज़ उनके पास आ गए, अब उनके द्वारा शुरू किए जाएंगे उनके कार्यक्रम, जो रिफ्लेक्ट होने शुरू होंगे एक दो साल मिनिमम चाहिए होते हैं। जब वो रिफ्लेक्ट होने शुरू हो जाएंगे आप उनसे जमकर सवाल करना। तब तक के लिए वो ये कह रहे हैं कि कहीं हम इसी में ना उलझ जाएं कि हमारे जो प्रोडक्टिव वर्क हैं वो रिफ्लेक्ट हुए हों, हम उस तरफ जा ही ना पाएँ क्योंकि कोष जो है राज्य का वो बदहाली में है। इसलिए तब तक के लिए आप हमें वेंटिलेटर सपोर्ट, एक तरह का ऑक्सीजन सपोर्ट, वी आर वर्किंग ऑन न्यूट्रिशन, वी आर बिल्डिंग आर लंग्स, वी आर बिल्डिंग आर बॉडी एंड दे विल डेफिनेटली वर्क आफ्टर 2 ईयर्स, आर बॉडी विल सेल्फ सस्टेन आर सेल्फ, बट द थिंग इज कि टिल द टाइम प्लीज सपोर्ट अस फ्रॉम द एक्सटर्नल सपोर्ट। इफ यू वॉन्ट टू सेव पंजाब, इफ यू वॉन्ट टू ग्रो इंडिया, इफ यू वॉन्ट टू अचीव दैट GDP, दैट 50,000 crore पैकेज आप हमको प्रोवाइड करिए और हम उस चीज़ का काम करके आपको दिखाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली में देखा जाए तो ये दायित्व बनता भी है केंद्र का, क्योंकि जब लाभ हैं पंजाब के वो देश को मिलेंगे, तो पंजाब यदि बदहाली में जाएगा, बैंकरप्सी में जाएगा, इसका नुकसान भी देश को ही होगा, पंजाब को ही अकेले नहीं होगा, पूरे देश को होगा, क्योंकि देश जो भी कीर्तिमान स्थापित करना चाहता है राज्यों के स्तर पर ही होंगे। तो ऐसे में फाइनेंस कमीशन की अगर आप रिकमेंडेशंस को देखते हैं, पहले प्लानिंग कमीशन था, अब नीति आयोग की अगर आप सुझावों को देखते हैं, उसके भी हमेशा सुझाव यही रहे हैं कि स्टेट्स को परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फंडिंग दी जाए, वो परफॉर्म करें तो उनको फंड दिया जाए। स्टेट्स की परफॉर्मेंस ही नेशनल परफॉर्मेंस है, द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट इज द परफॉर्मेंस ऑफ द नेशन। ऐसे में आप एक इक्विटेबल शेयर दिए बिना परफॉर्मेंस नहीं ले सकते किसी की, जैसे कि हमें कुछ लोगों को रिजर्व कैटेगरी में रख करके पहले उन्हें बराबरी पे लाना पड़ता है, ये कारण है। अब आती है बात कि सर ये बातें सच के रूप में चुनाव से पहले इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में क्यों नहीं रखी कि हमें 2 साल सुधार में लगेंगे, तब तक हम केंद्र से पैकेज मांगेंगे और हम मिल करके काम करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं मैनिफेस्टो में ये नहीं होगा और रैलियों में भी नहीं होगा, लेकिन ये बात है कि उन्होंने ये पहले दिन से कहा है कि केंद्र के साथ मिलकर के काम करेंगे, हमें उनकी पैर पैर पर मदद चाहिए, केंद्र के मदद के बिना हम कैसे चल जाएंगे। नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, बॉर्डर सिक्योरिटी का इशू है, फंड्स का इशू है, ग्रांट्स का इशू है, केंद्र के बिना तो हम चल ही नहीं सकते, हमें केंद्र की मदद चाहिए। लेकिन कहीं भी शब्द ऐसा तो नहीं था कि BJP की मदद चाहिए, केंद्र की मदद चाहिए ना, क्योंकि केंद्र और राज्य तो मिल करके चलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में BJP और आप वर्ड का तो जिक्र नहीं है, सेंटर स्टेट का जिक्र है। तो एक स्टेट अगर सेंटर से कुछ लेगा तो इसमें समस्या क्या है, वो तो है ही है, प्रोविजन ही रखा गया है, सेंटर स्टेट को इंटरट्वाइन किया गया है आपस में। तो ये उन्होंने पहले दिन से ही कहा है कि भाई मैं केंद्र के साथ मिलकर के चलूंगा। हाँ, अब आती है बात राजनीति की। देखो राजनीति में क्या होता है कि हम जैसी राजनीति चाहते हैं, बिल्कुल स्पष्ट राजनीति, तो फिर ये स्पष्ट राजनीति देखिए कोई भी नहीं कर रहा है, यही तो चूक है। आप देश के युवा हैं, आपको ये सवाल करना चाहिए, कोई भी नहीं कर रहा। जैसे भगवंत मान में गट्स होने चाहिए थे कि वो ये खुलकर के हर मन से बोलें कि भाई 2 साल लगेंगे सुधरने में, तब तक के लिए केंद्र से मदद भी मांगी जाएगी, सब कुछ किया जाएगा, लेकिन मान के चलो 2 साल, आते सार ही नहीं हो जाएगा कुछ भी। लेकिन उनको ये दिखता था कि लोगों को कोई पार्टियां भ्रमित ना कर दें हमारी ये लाइनें सुन के। सबसे पहले ज़रूरी है सत्ता पर पकड़ बनाना, तो राजनीति इसे कहते हैं। देखिए राजनीति में महत्वपूर्ण होता है सत्ता पर पकड़ बनाना। जब आप सत्ता पर पकड़ बना लेते हैं तो एक बार जब सत्ता आपकी होती है तो आप ये अब आप कहेंगे सर ये सत्ता पर फिर पकड़ बनाने की बात हो गई। जो पर्सन अपने आप को डिजर्विंग मान रहा है या उसे लग रहा है वो गुड फॉर द स्टेट है, तो लेकिन डिलीवरी करने के लिए स्टेट की पॉलिटिक्स पे कंट्रोल चाहिए, तो उस पॉलिटिक्स को वो फिर जैसे मर्जी कंट्रोल कर लें, हम उन्हें जज करेंगे कि उन्होंने डिलीवर क्या किया। तो आपको 5 साल बाद मौका दिया तो जाएगा, आप देख लेना। लेकिन सत्ता पर पकड़ बनाने के लिए देखो राजनीतिक तौर पर येन केन प्रक्रिया बहुत कुछ करना पड़ता है, उन्होंने भी किया, क्योंकि देखिए जनता अभी सारी एक स्केल पर एनलाइटेंड नहीं है, सारे एक स्तर पर अवेयर नहीं है। आप सबसे एक जैसा ज्ञान नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि भाई सब उनके सच को इतना स्वीकार कर लें और फिर भी उन्हें वोट दें कि चलो बाकियों ने तो अब तक लूटा, ये 2 साल में तो ठीक कर देगा। लोग ये कहेंगे कि वही बातें फिर मनप्रीत बादल वाली लाइनें, खजाने खाली हैं, 2-3 साल लगेंगे, ऐसे ही करते करते इन्होंने 5 साल, तो ऐसे में हो सकता है वो फिर कहें कि जो पहले से बैठे हैं रिपीट करो, तो हो सकता है पंजाब में बदलाव ही ना आ पाता। तो उनका भी यहाँ पर अपनी सोच है, लेकिन अब देखा जाए तो ये कौन नहीं कर रहा। देखिए बंगाल के बीरभूम में घटना हुई, लोगों को जिंदा जलाया गया। आप विचार करके देखें, ममता बनर्जी से पूछे पूरे भारत भर में वो लोकतंत्र का डिंडोरा पीटेंगी,
और बीजेपी की तानाशाही की बात करेंगी, उनके स्वयं के राज्य में क्या होता रहता है। भयंकर तौर पर किलिंग्स होती हैं जो अपोनेंट पार्टी के वर्कर होते हैं, नेता होते हैं। निचले स्तर के चुनाव यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के थर्ड टायर लेवल के जो चुनाव हैं वो शांतिप्रिय यानी बम गोलों से होते हैं उस राज्य में। बड़े पैमाने पर लोग ओपोनेंट पार्टियां छोड़ के उनकी पार्टी में चले जाते हैं जब चुनाव हार जाते हैं। ये नेचुरल भी होता है पर भय का कारण भी होता है, और अब वहां पर ये घटना का हो जाना। लेकिन उनके द्वारा सवाल देश की राजनीति से बहुत से पूछे जाते हैं, स्वयं के राज्य की हालत पस्ता है। केंद्र में आप प्रधानमंत्री को देख लीजिए, भीरभूम पर शोक प्रकट करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य था मेरे ख्याल, कुछ औरतें थी जो कुएं के ऊपर पटिया बनी थी उसके ऊपर बैठ करके शादी विवाह के समारोह में गा रही थी, लेकिन पटिया टूट गई, सारी औरतें नीचे गिर गई, मर गई। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, संवेदना जताई। कोई इवेंट आप उठा लीजिए भारत भर में, कश्मीर फाइल में प्रधानमंत्री मिले टीम के साथ और उन्होंने कहा कि भाई हाँ बहुत दुख हुआ और ऐसी फिल्में बनती रहनी चाहिए, हम इसका समर्थन करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जिंदा जागते वीडियोस आपके सामने थे, क्या एक भी शब्द बोलने की हिम्मत है प्रधानमंत्री में लखीमपुर खीरी के विषय में? देखो ये दोहरे चरित्र राजनीति में सभी के अंदर है। अब आप इसे चाहे केजरीवाल ले लो, चाहे भगवंत मान ले लो, चाहे ममता बनर्जी ले लो, अखिलेश यादव ले लो, और मैं हैरान होता हूँ जब जया बच्चन ये कहती हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो गुंडई से भरा हुआ है, उत्तर प्रदेश जो है वो ऐसे है वैसे है, और सपोर्ट वो करती हैं अखिलेश यादव की। गुंडई दी किसने हैं बताइए मुझे, क्या बातें करती रहती हैं आप, तो उनका नहीं मेरे समझ में आता। देखो मुद्दा ये है कि बस हर कोई अपना उल्लू सीधा कर रहा है, सब गेम राजनीतिक है। मैं ये मानता हूँ कि प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि किसान आंदोलनों के समय में यदि 700 लोगों की वहाँ पर आंसू गैस के गोलों से सफोकेशन से हो जाए, ब्रेथलेसनेस से हो जाए, सर्दी की रातों में उम्र हो जाने की वजह से हो जाए, या रास्ते में एक्सीडेंट की वजह से हो जाए, या किन्हीं भी कारणों से लोगों की मृत्यु हुई, चलो 600 से 700 लोग ऐसा माना जाता है कि मरे हैं, जो समर्थक हैं वो कहते हैं शहीद हुए हैं, आंदोलनकारी थे, चलो मैं कहता हूँ कि वो लोग प्रधानमंत्री के द्वारा उठाए गए किसी कदम से नहीं भी मरे, मतलब ना प्रधानमंत्री ने लाठीचार्ज कराया, ना प्रधानमंत्री ने उन पर बुलडोजर चढ़ाए, वो नहीं भी मरे। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि किन्हीं भी कारणों से अगर आप पटिया पे बैठे उन औरतों के गिर जाने से, जो कि आपके राजकीय समारोह में नहीं आई थी, वो अपनी किसी निजी मैरिज फंक्शन में गई थी, वो गिर गई, आपने उनके ऊपर भी शोक प्रकट किया, तो ऐसे 600-700 लोग भी बीट एनी रीज़न वो मरे, आपकी संवेदनशीलता तो दिखनी चाहिए ना। आपको क्यों डर लग जाता है कि अचानक से लोग ये कहेंगे कि ले लो भाई, मान लिया इन्होंने कि वो मरे हैं, और फिर वो आपसे मांगेंगे कि उन्हें शहीदों का दर्जा दो, फलाना ढमकाना। लेकिन आप में एक स्टेट्समैन के तौर पर ये गट्स तो होने चाहिए कि मैं देश का प्रधानमंत्री होने के नाते देश के युवा, देश के बुजुर्ग, देश की महिलाएं जो कि आंदोलन के दौरान किन्हीं भी प्राकृतिक या किन्हीं भी और कारणों से मृत्यु को प्राप्त हुई उसके लिए संवेदनशील हूं और मैं सहिष्णुता जताते हुए खेद प्रकट करता हूं। इतना कहने में इतना भय किस बात का, और दूसरी तरफ आपके ट्वीट इतनी जल्दी आ जाते हैं, ये दोहरा ही चरित्र है ना भाई। तो देखो पॉलिटिक्स में एक हिपोक्रेसी होती है, अपने अपने फॉलोअर को सबने सेटिस्फाई करना होता है। अब वो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हैं या भगवंत मान हैं वो भी कर रहे हैं, या फिर वो अखिलेश यादव हैं, जयंत चौधरी हैं, और या ही फिर वो ठोक बजा करके ममता बनर्जी हैं, भैया अराजकता तो भव्य है वहाँ पर भी। लेकिन हर किसी के अपने फेवरेट हैं, हो सकता है कि रवीश कुमार को ममता के राज्य में उतनी गड़बड़ियाँ ना दिखें, अखिलेश यादव की पिछले समय के सरकारों की सभी गुंडैयाँ भूल जाएं, लेकिन उन्हें भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के किए हुए कुछ वायदे ना पूरे होने भी भूल जाएं, लेकिन उन्हें अधिक ये नज़र आता है कि प्रधानमंत्री ने क्या वायदे किए थे और वो क्या नहीं पूरे हुए। तो देखिए उनकी भी अपना एक सपोर्टर बैंक है, तो वो भी उसी के फेवर में, उनके अपोज में ज़्यादा बोलना कम्फर्टेबल फील करते हैं, और हमारी समस्या ये है कि हमारा कोई सपोर्टर बैंक ही नहीं। जब आप देखिए दो ही पक्ष हैं देश में इस समय रखे गए, या तो सत्ता पक्ष या विपक्ष, सत्ता के फेवर में बोल रहे हैं तो सत्ता पक्ष के हैं, उसके विरुद्ध बोल रहे हैं तो विपक्ष में हैं। मैं मानता हूं कि देश के युवा निष्पक्ष होते हैं, ना सत्ता पक्ष ना विपक्ष, निष्पक्ष। ये तीसरा पक्ष है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सत्ता पक्ष को भी देश के पक्ष में लेके आएगा, जो विपक्ष को भी देश के पक्ष में लाएगा, और वो तभी लेकर के आएगा क्योंकि आप निष्पक्ष हैं। तो एक राज्य के द्वारा एक केंद्र से यदि तकनीकी ग्राउंड पर एक रोडमैप दे करके कि भाई हम इन इन क्षेत्रों में अब काम करेंगे,
मान लीजिए केंद्र सरकार उनसे ये रोड मैप मंगवाए कि आप अपना बताएं कि रेवेन्यू को रिप्लेनिश कैसे करेंगे और क्या क्या पॉलिसीज़ और स्कीम्स आने वाली हैं आपकी, जिसके तहत आप ये कहते हैं कि आप फोर्टिफाई कर लेंगे, रीबिल्ड कर लेंगे रेवेन्यू सिस्टम को, देन वी विल थिंक अबाउट द 50,00,000 पैकेज फॉर यू। पैकेज देना है ना, पहले आपने एक बात की समझी, वर्ड इज़ पैकेज। उन्होंने कहाँ कहाँ कि हमें 50,000 रुपीज़ की एक ग्रांट दे दो, कहाँ कहाँ कि 50,000 करोड़ कैश खाते में डाल दो, पैकेज। तो पैकेज कैसे मिलता है बताइए मुझे, थोड़ी सी ड्यूटीज़ में छूट दे दी जाएगी पंजाब को, थोड़ी सी कस्टम्स में छूट दे दी जाएगी, थोड़ा सा ड्यूटीज़ में छूट दी जाएगी, थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर के तहत जो लोन है उनके इंटरेस्ट में वेवर दे दिया जाएगा। मतलब 50,000 करोड़ को एक पैकेज की फॉर्म में देना है ना, क्योंकि अपन ने पुश देना है पंजाब की इकोनॉमी को, पंजाब की सिस्टम को। तो हो सकता है जो बैंक लोन दे रहे हैं अदर राज्यों में 12% पे, हो सकता है वो 9% पे आ जाए, 3% का घाटा बैंक को, वो घाटा 50,000 करोड़ का जो सेंटर पैकेज देगा उसमें से पूरा होगा। हो सकता है एक्साइज में थोड़ी सी कमी कर दें, हो सकता है GST में। तो इस तरह से करके एक पैकेज बनाना है, वो पैकेज किस दिशा में बनना चाहिए उसके लिए राज्य का प्लान आना जरूरी है। तो हो सकता है राज्य से प्लान मांगे, केंद्र की भी अपना प्लान बताइए किस किस दिशा में क्या क्या करने वाले हैं कि 2 बरस में आपका सुधार होगा। तो उसकी मेरिट की बेसिस पर हम देखते हैं कि 50,000 करोड़ का पैकेज आपको देना बनता है कि नहीं बनता है, या क्या देना बनता है, या किस दिशा में देना बनता है। ऐसी हेल्दी डिस्कशंस तो आई ऑलवेज सपोर्ट, ये तो होनी चाहिए। अगर मैं मानता हूँ कि भगवंत मान ने देरी की, अगर भगवंत मान सच्चा देशभक्त है और पंजाब का कुछ करना चाहता है, शपथ ग्रहण के अगले दिन पहुँच जाना चाहिए था प्रधानमंत्री के पास। ईगो क्या होती है, व्हाट इज़ ईगो, व्हाट इज़ द एटीट्यूड इनटू दैट। अगर मुझे ये दिखता है कि मेरे पिताजी ने मुझे घर की बागडोर दे दी और मुझे अब इस घर को सुधारना है, मेरे भाई बहन है, मेरा परिवार है, इनकी शिक्षा चिकित्सा सुधार करना है, और जेब में मेरे, मैं तो एक सेकंड वेट किए बिना पिताजी के पास जाऊंगा, पैसे दीजिए मुझे, अभी दे दीजिए, मैंने आज से जॉब ले ली है, मैंने आज से जॉब ले ली है, 30 डेज बाद सैलरी मिलेगी, मैं कुछ कुछ रीपे करना शुरू करूँगा, 30 दिन तक इनको मुझे कुछ करना दे दो। इसमें क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, ये क्या एटीट्यूड है, एरोगेंस है, और ये क्या, हु इज दिस दैट मनिंदर सिंह सिरसा, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दैट कि आप पहुंच गए सेंटर के पास, तो किसके पास जाएं। राज्यों पर प्रतिबंध कितने हैं, राज्य विदेशों के साथ सीधे संबंध बना सकता है, बताइए। माय क्वेश्चन टू यू इज, क्या पंजाब इज केपेबल और पंजाब इज फ्री टू फॉर्म डायरेक्ट अलायंसेज और डायरेक्ट इकोनॉमिक पैक्ट विद अमेरिका। जब आपने मुझे ये कहा हुआ है, मैं आप जब पिताजी ये कह रहे हैं कि जो भी आस पड़ोस के साथ संबंध बनाना है मेरे थ्रू बनाना है, है ना, तुमने सीधे नहीं बनाने, तो फिर मैं उनके पास गया हूँ कि भाई फिर ठीक है, मैं, मेरी इतनी गुडविल है कि मैं बगल वाले से, पड़ोसी से 100 रुपये मांगता वो दे देता, आपने रोका हुआ है, फिर 50 दे दो, आप दे दो। तो देखिए, राज्य हमारे संवैधानिक प्रतिबंधों की पालना भी तो कर रहे हैं ना। हमारे राज्यों में कोई एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री होती है, होती है, विदेश मंत्री सुना आपने राज्यों का कभी, तो फिर एक्सटर्नल अफेयर पॉलिसी किसकी है। तो राज्यों ने जब अपने राइट्स सेंटर को दिए हुए हैं कुछ मामलों में, रेलवे की मंत्रालय राज्यों में सुना कभी, डिफेंस राज्यों में सुना कभी, पुलिस होती है, डिफेंस होता है। तो जब आपने बैंकिंग, कम्युनिकेशंस, करेंसी, रेलवेज, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, व्हेन आपने अपने राइट्स जो हैं किसी कस्टडी में दिए हुए हैं, तो फिर आप वहीं ना, उनकी लाइबिलिटीज भी तो बनती हैं आपके प्रति, अब वहीं ना जाएंगे, आप भारतीय राज्य को भेज दें, जाओ भाई फंड रेजिंग करके आओ चीन से और अमेरिका से और ब्रिटेन से, वो फंड दे देंगे, और जैसे आज चीन के हाथों बिकने को तैयार है श्रीलंका, फिर मान लो कल को पंजाब हरियाणा बिकने को तैयार हो, फिर रह जाएगी इंडिया की सॉवरेंटी। आज श्रीलंका एक सॉवरेन नेशन होने के नाते चीन से संबंध बना सकता है, उसने चीन से लोन लिया और चीन ने वहाँ पे निर्माण कार्य किए, वो चीन के डेट ट्रैप में आ गया, आज ये मानने की तैयारी चल रही कि भी चीन उसके काफ़ी हिस्से कब्जा लेगा, तो क्या भारतीय राज्यों को ये अनुमति है कि वो विदेशों के साथ जाकर के ऐसे सीधे करार करके पैसा ले ले, तो फिर अगर भारतीय राज्य उनके अधीन बैंकक्रप्ट होने लगे तो फिर भारतीय संप्रभुता कैसे रह जाएगी, भारतीय स्वतंत्रता क्या होगी, वो भारत भारत क्या होगा जिसके राज्य गिर भी पड़े हुए हैं कि नहीं विदेशी मुल्कों के पास। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ द स्टेट, इससे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इंडिया को बुला के ऐसे कान में कहा है, यू आर द यूनियन ऑफ द स्टेट, इसका मतलब तुम्हें स्टेट बहुत सारे अधिकार अपने कस्टडी में दे देगा, लेकिन तुम्हें उसे सौतेला भी नहीं छोड़ना, लावारिस भी नहीं छोड़ना, क्योंकि कहीं वो गया तो फिर यू आर द यूनियन ऑफ द स्टेट्स,
तो अगर वो स्टेट्स की यूनियन फिर कोई और हो गया तो तुम यूनियन भी नहीं रहोगे। आई बात समझ में? सो मैनी रिस्ट्रिक्शंस आर देयर ऑन द स्टेट्स। आई बात समझ में? फंड रेजिंग करके केंद्र देता है राज्यों को, ये केंद्र की जिम्मेदारी है, उसके लिए राज्यों की मेरिट देखता है। तो राज्य अगर बदहाली में जाता है, राज्य के अगर रेवेन्यूज में कमी आती है, ये केंद्र को ही उसके साथ मिलकर के चलना है। आई बात समझ में? इसमें पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठना होगा। इसमें ये सवाल कि प्रत्येक राज्य, हाँ अब आती है बात लोक लुभावने वायदों की। सवाल ये था कि भाई आप सत्ता में आए, आपने लोक लुभावने वादे किए कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 1000 रुपया महिलाओं के खाते में देंगे, ये आपने वादा किया। मैं अब आपसे एक बात पूछता हूँ, कितना, देखो पहले तो यार एक बात सुनो, कितना बेवकूफ़ बनाते हैं जनता को ये डेढ़ डेढ़ मिनट की बाइट दे करके, जैसे खड़े हो जाते हैं आके टीवी पे कि पहले भगवंत मान ने ऐसे लोक लुभावने वायदे कर दिए और अब पैकेज सेंटर से मांग रहा है, खुद ही बोल भी रहे हैं और लोगों को इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि लोगों को अकल ही कोई नहीं। जो वायदे आम आदमी पार्टी ने लोगों से किए कि भाई 300 यूनिट बिजली फ्री और 1000 रुपये खाता, कहाँ ये मेंशन है कि आम आदमी पार्टी ने उसके लिए कैश सपोर्ट मांगी है कोई केंद्र से? केंद्र से तो पैकेज मांगा है ना, वो पैकेज का पैसा इधर कैसे चला जाएगा? जैसे आपने किसी के साथ वायदा किया है, सपोज कीजिए आपने किसी के साथ वादा किया है कि आप उसको दिन में 4 बार स्कूटी पे फ्री राइड दोगे, लेकिन आप मेरे पास एक पैकेज मांगने आए हो 10,000 रुपये का। उस पैकेज के अंदर मैंने आपकी कोचिंग, बुक्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज का खर्चा उठा लिया, इससे आप किसी को स्कूटी पे 4 बार राइड कैसे दे दोगे? स्कूटी पे उसे फ्री में 4 बार राइड देने के लिए तो आप दूसरी व्यवस्था करोगे ना कोई अपने दम पर, और आपने किसी को स्कूटी पे 4 बार राइड दे रहे हो तो मेरा, मैं, मुझे क्या लेना? मैंने तो 10,000 रुपये का पैकेज आपकी किताबें, टेस्ट सीरीज, लेक्चर्स और कोचिंग के लिए दिया है, यूनिफॉर्म के लिए दिया है, इस पे बैठा के राइड दे दोगे किसी को? तो पैकेज मांगा है ना यार, वो बंदा कैसे बेवकूफ़ बना रहा है लोगों को इंटरव्यू दे करके कि पहले वादे ना करते फिर केंद्र से पैसा लेना है। बेटे जब मांगा पैकेज गया है केंद्र से, केंद्र पैकेज ही बना करके ना देगा, उस पैकेज की समीक्षा नहीं होगी। वो जो सेंटर से पैकेज आएगा वो पैकेज का पैसा किश्तवार किश्त तरीके से लगेगा, तो फिर उसकी अप्रेजल रिपोर्ट नहीं जाएगी कि पिछला पैसा कितना लग गया और नया पैसा आना चाहिए। मतलब ये ऐसा होता है, एक ब्रीफकेस भर के 25,000 करोड़ के 2 ब्रीफकेस आएंगे चंडीगढ़ के एक एयरपोर्ट पे उतरेंगे और भगवंत मान जाएंगे और पकड़ लेंगे 50,000 करोड़ लूट लो, ऐसा होता है क्या? इज दैट द स्कीम? देयर इज अ चैनल, कैग उसकी ऑडिटिंग करेगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत का महालेखा परीक्षण होगा इसके तहत, नियंत्रक एक एवं महालेखा परीक्षक इसका आकर के पूरा का पूरा ऑडिटिंग करेगा, सारा सिस्टम होगा, सारे के सारे डिपार्टमेंटल ऑडिटिंग चलेगी, फिर 1,000 करोड़ 50,000 करोड़ के पैकेज का शुरुआत में जो 7,000 करोड़ आया था पहले 2 महीनों में, वो इन इन क्षेत्रों में खपना था, कैसे खपा बताइए, दिखाइए, फिर जाएगी रिपोर्ट, फिर अगले 7,000 करोड़ आएंगे। तो ऐसे करके एक पैकेज है, लेकिन उन्होंने जो वायदे किए हैं वो अपने हैं, वो अलग चल रहे हैं, वो अलग काम करेंगे। और अब आती है बात की बड़ी चुभ रही है सबको कि 300 यूनिट बिजली फ्री का वायदा कर दिया, 1000 रुपया महिलाओं के खाते में डालने की बात की। चलो एक सवाल पूछता हूँ आप सबसे, अगर तो मैं एक पर्यावरण विदकारी हूँ, अगर तो मैं पर्यावरण को देखता हूँ, तो भारत भर में ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है इस चीज़ को कि तकरीबन सरकारें ये बता रही सबसे सस्ती बिजली, पहले से भी यूनिट सस्ते, मुफ्त बिजली, मतलब हम और ज़्यादा कार्बन बेस्ड एनर्जी कंजम्पशन को बढ़ा रहे हैं। वैसे तो ये हमारे इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के अकॉर्डिंग ठीक नहीं, जहाँ एक तरफ हमें क्लीन और ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, हम कार्बन फुटप्रिंट अपना और बढ़ाते जा रहे हैं। चलो इस पर डिबेट भी करेंगे किसी लेक्चर में, बट अब आते हैं बात में। पिछले, मान लो पिछले 75 सालों के दौरान पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री नहीं दी गई, मान लो। वैसे मैं आपको बता दूं, अकाली दल इस पे ऑब्जेक्ट करेगा, वो ये कहेगा कि किसानों की खेतीबाड़ी बिजली शुरू से माफ़ रखी है हमने, खेतीबाड़ी मीटर जो हैं उसके बिल हम माफ़ करते थे, यानी कि जो ट्यूबवेल के वाया पानी लगता था, वो ये कहेगा। और ये मैं खेतीबाड़ी वर्ग से ही आता हूँ, हम भी किसान हैं, और ये सही भी है कि बिजली माफ़ रहती थी, किसकी, ट्यूबवेल की, लेकिन ये एक तरह का शराब भी बन गया, क्यों, बिजली फिर आती नहीं थी, तो ये बहुत बड़ी समस्या बन गई थी कि हम रोते रहते थे कि भाई माफ नहीं चाहिए, बिजली चाहिए, चोने को पानी लगाना है, सब कुछ करना है, तो बिजली की तरह। बट चलो था, उनकी तरफ से ही था, बट आ जाओ एक जनरल ग्रॉस सेंस में 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात की है, ठीक है, इसको आप कहते हैं लोक लुभावना, पॉपुलिस्ट वायदा है। मैं आपसे कहता हूँ
कि पिछले 75 वर्षों में ऐसा वायदा नहीं किया गया, तो मुझे बताओ कि क्या फिर पिछले 75 वर्षों में पंजाब में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ फिर बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड हुआ है? पंजाब में पिछले 75 सालों में ऐसा 300 यूनिट बिजली फ्री देने जैसा कोई वायदा नहीं है, तो फिर इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ फिर अदरवाइज हो पाया बेहतर मैनर में? वेल्थ तो कंसंट्रेट ही हुई है, वेल्थ कंसंट्रेट ही हुई है। तो एक तरफ एक इंटेलेक्चुअल क्लास खड़ी हो जाती है कि फ्री बीज नहीं देने, आपने इस तरह के वायदे नहीं करने, तो 75 सालों से फिर आप लोगों की नीतियों ने क्या कर दिया है? इतनी भयंकर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कैसे है पंजाब में? पंजाब में ये कैसा है कि एक तरफ इतना बड़ा किसान है जिसके पास 40-50-100 एकड़ जमीन है, और दूसरी तरफ किसान फांसी लगा करके मर रहा है, ये कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कैसे हुआ? एक तरफ इतने बड़े पैमाने पर हर शहर के अंदर एक पॉश कॉलोनियां है 3 से 4 या मॉडल टाउन है, और दूसरी तरफ लोग बिना सीवरेज, बिना पानी के, बिना स्ट्रीट लाइट और बिना सड़कों के आउटर फ्रिंजेस पर इलीगल कॉलोनियों में जीवन जीने के लिए मजबूर हैं, प्लॉटों में से सीवरेज निकल रहे हैं बाहर, ये कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कैसे हुआ बताओ मुझे? या तो तुम ये कहो कि पंजाब की व्यवस्था बड़ी सुगम है भाई, यहाँ पर तो प्रणाली इतनी है कि जो पैसा जनरेट होता है, रेवेन्यू आता है, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ बहुत ही इक्विटेबल होता है, यहाँ पे फ्री की जरूरत ही नहीं। लेकिन जब वो रीडिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटेट कराने के आपके कोई चैनल ही नहीं बने, तो फिर अल्टीमेटली अब जब ये बात निकल करके आई कि 300 यूनिट फ्री देंगे, हो सकता है उस 300 यूनिट के वाया ही वो राज्य की एक कमाई जो उन वर्गों तक भी पहुंचनी चाहिए थी जिनका अधिकार बनता था लेकिन पहुंच नहीं पाई, उन तक पहुंचेगी। क्या समस्या है इसमें? लोगों के जेब में 300 यूनिट फ्री बिजली के जब पैसे बचेंगे, डिमांड रेज होगी, ऐसे इकोनॉमी के इस सेंस में भी देख सकते हैं, वो 300 यूनिट का पैसा बचेगा, डिमांड विल रेज। जैसे कि अगर आप इसे जल पंजाब में 7 रुपये यूनिट के हिसाब से लगाएं, तो महीने 300 यूनिट फ्री लगाएं, तो कितने यूनिट बन, कितने रुपए बनता है ये? 2100 रुपये बनता है ना 7 रुपये के हिसाब से, तो 2100 रुपया अगर प्रति व्यक्ति बचने, प्रति घर बचने लगे, वो उतने की मांग पैदा करेंगे, और वो डिमांड पैदा होगी तो उससे सप्लाई बढ़ेगी, तो सरकार का रेवेन्यू वैसे बढ़ जाएगा, सरकार का रेवेन्यू वैसे बढ़ जाएगा। तो या तो एक राज्य में ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसके तहत कि लंबे समय से हमने ये देखा हो कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन बेटर होता है, सबकी अर्निंग्स में बढ़ोतरी होती है, चोरी बिजली की नहीं होती है, और बिजली के बिल सभी ईमानदारी से भरते हैं, तो फिर वहाँ पर यूनिट प्राइस भी मैनेज ही रहेगा। ये कैसा पंजाब हुआ जिसमें शहर के कुछ लोग सारे पंजाब का बिल भर रहे हैं, गांव में कुंडियाँ कैसे डल रही हैं, गांव में बिजली बिल किधर है बताओ, गांव में कौन भर रहा है बताओ मुझे? तो ये जो एक लंबे समय तक समस्या रही, इसकी वजह से एक वर्ग के ऊपर अति से ज़्यादा बिजली के पर यूनिट का लोड पड़ गया, यह भी तो गलत है ना। अगर वो बिजली की पैदावार का खर्चा समान रूप में वितरित कर दिया जाए सबके ऊपर, सब पे बर्डन डाल दिया जाए, तो यूनिट 10 रुपये से अपने घट कर 4 रुपये में आ जाएगा, 4 रुपये पे जब यूनिट आ गया तो फ्री देने की ज़रूरत ही नहीं, सब कुछ सेटल। और मैं वैसे आपको ये बता दूँ कि ये जो योजनाएँ हैं बिजली महकमे में काम करने वाले लोगों को, मुझे ऐसा लगता है जो मेरी पुरानी जानकारी बताती है, 200 से 250 यूनिट फ्री होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में लोग काम करते हैं आप पता करके देख लेना, उन्हें फ्री होते हैं। चलो अब मैं आपको बता दूं, एससी कम्युनिटी के लोगों को भी, पंजाब में एसटी तो है नहीं, एससी कम्युनिटी के लोगों को भी बिजली के यूनिट्स फ्री हैं, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता पर यूनिट्स फ्री हैं कि कितने यूनिट्स फ्री हैं। तो ये व्यवस्था तो पहले दिन से है पंजाब में, एससीज को फ्री हैं, महकमे में काम कर रहे लोगों को फ्री हैं, गाँव में मोटरों के बिल पहले ही फ्री थे, तो ले रहे बिल देने वाले कौन रह गए, शहरी है कि नहीं? तो व्यवस्था में फ्लॉज हैं, इसको अपन को ठीक करना पड़ेगा। जैसे अब सरकार, केंद्र सरकार का ये प्रतिबंध है राज्यों के ऊपर कि केंद्र से यदि कैसी भी सहायता चाहिए तो आपको प्रीपेड मीटर लगाने पड़ेंगे, 3 महीने का समय पंजाब को दिया गया। अब पंजाब प्रीपेड मीटर लगा देगा, पूरे प्रत्येक घर में प्रीपेड मीटर लग जाएंगे, तो आप मेरी एक बात सुनिए, एक बड़ी नदी है उसकी 10 ट्रिब्यूटरी हैं, सहायक नदियाँ, उस बड़ी नदी में सिर्फ एक नदी से ही पानी आता था, तो हमें उसी एक नदी से फिर ज़्यादा ज़्यादा पानी ग्लेशियर पिघला के लाना पड़ता था ताकि मेन नदी फलती फूलती रहे। बट अब अगर सारी की सारी 10 सहायक नदियों से पानी आने लगे उस नदी में, तो सब थोड़ा थोड़ा ही देंगी पर मेन नदी बहुत उफान पर रहेगी। तो अब हर वो पर्सन टैप हो जाएगा ना जो पहले नहीं दे रहा था बिल, कुंडियाँ, चोरियाँ, धांधलियाँ सब कैप्चर हो जाएंगी, स्मार्ट मीटर ला जाएंगे, प्रीपेड मीटर लग जाएंगे, तो फिर इसके तहत राज्य का रेवेन्यू, राज्य का यूज़र चार्जेस, राज्य का इलेक्ट्रिसिटी कलेक्शन बेअंत बढ़ेगा, और उसमें से फिर अगर 300 यूनिट फ्री है
तो भी पहले से मुनाफे में ही रहेगा राज्य, तो भी सरकार पहले से मुनाफे में ही रहेगा। आई बात समझ में? तो इस तरह के अगर अपन लोक लुभाने वादे देखें, तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, तो ये वादे तो हर कोई कर रहा है। जैसे लॉकडाउन के समय में शुरू किया गया था, लेकिन कितनी बार सक्सेसिवली सरकार ने वो अन्न फ्री में वितरित करने की योजना बढ़ाई है 85 करोड़ लोगों को जो अन्न दे रही, और केंद्र सरकार देश के कोष से वो अनाज वितरित कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार जिस पार्टी से आती है यानी कि बीजेपी, वो तो चुनाव में उसका भरपूर इस्तेमाल कर रही है, तब गुस्सा क्यों नहीं आता हमें? देखो देश एक रेवेन्यू देता है, हैं, मैं रेवेन्यू पे, मैं टैक्स पे करता हूँ, ठीक है, मेरे पे किए टैक्स के नाम पर मुझे कोई जनता चवन्नी नहीं दे रही, मतलब ना गर्लफ्रेंड सपोर्ट कर रही है, ना घरवाली बात मान रही, ना कोई मान रही है कि भाई मेरे समर्थन में खड़े हो जाओ, मैं टैक्स देता हूँ। मेरा टैक्स लेके प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, अंत्योदय अन्न योजना, आवास योजना चला के वोट कौन मांग रहा है? वो पार्टी। मतलब मैं खड़ा ऐसे देख रहा हूं कि तुमने ये योजनाओं में, मैंने तुमको 4 लाख टैक्स दिया, तुमने क्या किया? कहते डेढ़ 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 साढ़े चार, डेढ़ अंत्योदय में और डेढ़ आवास में, डेढ़ आरोग्य में। और मैं क्या फिर, और कहते फिर वोट झमाझम वोट, फिर सरकार हमारी। तो मैं क्या, टैक्स तो मैंने दिया था, मेरे फेवर में तो कोई भी नहीं आया, ये कैसे हो रहा है? तो यार ये तो अब दोहरा चरित्र फिर हर जगह पर है। मैं हैरान हो जाता हूँ जब सरकारें, चाहे वो पिछली अमरिंदर सिंह की थी, चाहे इस बार भगवंत मान की है, चाहे केंद्र में नरेंद्र मोदी है, या राज्यों में कोई भी है, इतनी फ्री चिकित्सा, इतनी फ्री शिक्षा, इतनी फ्री सेहत। अबे पैसा कहाँ से लाते हो तुम? कहाँ फ्री? अपनी सैलरी में से देते हो क्या? मतलब ये क्या मुझे समझ नहीं आया कि विवेक ने मुझे एक फीस दी, ठीक है, ध्यान से सुनो, विवेक ने मुझे फीस दी, और विवेक को मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, फ्री लेक्चर। विवेक बेटा सोच रहा है फ्री कैसे, फीस दी थी यार इसके लिए, तो फीस दी थी। फ्री का मतलब यहाँ पर ये हो सकता है, इसको आप ये कह सकते हैं कि फीस विवेक ने दी, दे मैं करणवीर को रहा हूँ, लेक्चर मैं करणवीर को दे रहा हूँ, फीस विवेक ने दी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने करणवीर को फ्री में लेक्चर दिए। विवेक का करणवीर से कोई करार हुआ होगा, ऐसे ही हम देशवासियों का अपने देश से करार हुआ है, हम देशवासियों का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है अपने नेशन से, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है और पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके तहत मैंने ये वायदा किया है कि मैं रेवेन्यू, मैं टैक्स दूंगा, वो देश की शिक्षा में लगे, देश के यातायात के साधनों में लगे, मेट्रो में लगे, रेलगाड़ी में लगे, रेलगाड़ी की सीट के ऊपर वो जो वैक्सीन का कवर चढ़ा है जिसपे आप सो करके जाते हैं, मैं पैसा देता हूँ उसके लिए। मैं चाहता हूँ मेरा देश प्रगति करे, मेरे देशवासी प्रगति करे, क्योंकि जब समस्त देश प्रगति करेगा तभी मैं भी करूँगा ना भाई। वो जिस पंजाब रोडवेज की सरकारी बस पर चढ़ करके तुम मुझ तक आकर के कोचिंग लेके मुझे फीस दे रहे हो, अगर उसी फीस में से कुछ टैक्स दे करके मैं उस बस को चलाने में देश की मदद करता हूँ, तो मैं अपने यहाँ ही विकास करता हूँ ना यार। तो हम सबका एक हमारा कमिटमेंट है देश के साथ, इसलिए हम ये कर रहे हैं। इसमें फ्री वर्ड कहाँ से आता मुझे समझ में नहीं आया। मतलब जब अमरिंदर सिंह ने कहा है कि महिलाओं के लिए यात्रा फ्री, अबे कहाँ से, अपने किस एस्टेट, किस महल, किस राज्य को गिरवी रख करके या तुमने लीज पर दे करके वो देश के कोष में पैसा जमा के उनके लिए यात्रा फ्री की है? तुम फ्री कैसे कह सकते हो? हाउ डेयर यू, दैट इज माई क्वेश्चन टू द प्राइम मिनिस्टर। ये देश का ही तो धन है, तुम ऐसा क्यों नहीं कहते? ये लाइन क्यों नहीं आती आपके स्लोगनों में कि देश के सभी गणमान्य लोगों के द्वारा दिए गए कोष से देश के सभी गणमान्य लोगों को अब आज से यह निःशुल्क सेवा मिलेगी? ये फ्री दे ही, इन्हीं लोगों को पढ़ाई फ्री दीती, कहां से दीती हैं? तुम्हारे घर जाए तो पेठा फ्री में निकला होगा, तुम पढ़ाई फ्री में दीती, ये जो सोच ये हमको खा रही है। जब अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि बिजली के बिल हाफ, पानी के बिल माफ, पानी लेके अपने घर में पानी लाने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा 100 रुपए की एक बकेट, पूरे राज्य के लिए पानी ला रहे हो, पैसा कहाँ से ला रहे हो, कहाँ से ला रहे हो, मेरा सवाल बनता है। या तो सेंटर से ग्रांटें आई होंगी, या दिल्ली का रेवेन्यू होगा। सेंटर कहाँ से लाई पैसा, दिल्ली कहाँ से लाया पैसा? दिल्ली वासियों का, देशवासियों का ही पैसा है। मतलब ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि तुम पहले वाले से बेहतर क्लास मॉनिटर हो, तुम पहले वाले से बेहतर एडजुडिकेटर हो,
तुम पहले वाले से बेहतर मैनेजर हो, तो पर यार इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम अपनी जेब से सब दे रहे हो, है कि नहीं? मैं मैडम क्लास में आके मुझे ये कह सकती है कि यू आर गुड क्लास मॉनिटर, तुम्हारी क्लास में अब बच्चे अच्छे शांत हैं, पर मैं इसका भी क्रेडिट लेने लग जाऊं कि इन सबके अच्छे चरित्रों का कारण मैं हूं, उनके अच्छे चरित्रों का कारण उनके मम्मी पापा, उनका परिवार, उनका धर्म, कुल, समाज, सब होंगे। मैं पहले से बेहतर मॉनिटर हो सकता हूं, पर मैं उनका बाप तो नहीं हो सकता, ये सवाल बनता है। ये फ्री 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 सिस्टम इज अ बोगस सिस्टम। ये बस इतना ही है कि किसने उसको बेहतर उपयोग में ला लिया, दैट्स इट। तो ये आप अपनी डिसरिस्पेक्ट मत फील किया करो, और आप भी प्लीज इस शब्द का इस्तेमाल करना बंद करो कि वो फ्री वाला हमें मिल रहा है। इस पृथ्वी पे कुछ भी फ्री नहीं होता, इकोनॉमी का सिद्धांत कहता है। प्रत्येक चीज जिसका निर्माण हो रहा है वो GDP में काउंट होती है, तो उसकी एक फाइनल वैल्यू है जो ऐड हो रही है। तो जब उसकी कोई वैल्यू है तो वो किसी ने पे तो की होगी, तो वो फ्री कैसे हुई? ये तो वो नेता है भाई जो पेंशन नहीं छोड़ते रिटायरमेंट के बाद, वो भी आप ही के जेब में से लेंगे, और सत्ता में रहते हुए भी आप ही के रेवेन्यू के दम पे कहते हैं कि आपको फ्री दे दिया। ये मुंह पे तमाचे मारने जैसा है। आप इस कल्चर को मना करें, आप सीधे से बात कह सकते हैं कि भाई इसका कोई शुल्क नहीं है क्योंकि पहले ही टैक्स अपन ने दे दिया है, दैट्स इट, दैट इज ऑल। जिस दिन स्टेट की कैपेसिटी नहीं रहेगी उसे निःशुल्क देने की, वो स्टेट नहीं देगा। तो स्कूलों में बच्चों के लिए पढ़ाई फ्री। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मुझे बताइए कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड कहाँ है फ्री एजुकेशन देने का? प्लीज टेल मी द वर्ड। कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड है यूनिवर्सल एंड कंपलसरी एजुकेशन। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ऐसा गंदा घटिया वर्ड इस्तेमाल किया फ्री? कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है कि आपको एक लीगल एड प्रोवाइड करनी है, दैट वुड बी फ्री लीगल एड। व्हाट डू यू मीन बाय द फ्री लीगल एड? What do you mean by that free legal aid? Free legal aid का मतलब यह है कि राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह एक निशुल्क न्यायिक सुविधा इन लोगों तक भी पहुंचाए। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में स्टेट की जिम्मेदारी लगाई है। वो क्या किसी PM CM का नाम लिख करके वो लिखा था उसमें? क्या वहां पर यह बात लिखी गई है कि गवर्नमेंट को फ्री देना है? वहां पर स्टेट को कहा गया है राज्य को वो चीज निःशुल्क मुहैया करानी है। Article 39 कहता है। तो राज्य को वो निशुल्क इसलिए मुहैया करानी है ना कि राज्य को अपन ने अलग अलग शुल्क और कर दिया हुआ है। ये सवाल बनता है कि नहीं बनता है? तो ये फ्री नहीं है कुछ भी। ये पहली चीज, इसको सुधार लीजिए आप लोग। ये सिर्फ हर पॉलिटिशियन आपके उस सिस्टम को यूज कर रहा है। इस खिड़की को खोलो। ओके, तो एक बात आज क्लियर है, स्पष्ट है कि भाई दोहरा चरित्र हर किसी में है। राजनीति में सत्ता बनाना अधिकार है सबका, और सब बनाते भी हैं कई तरह के वायदे करके, कई तरह के संकल्प लेकर के। लेकिन दूसरा सत्य यह भी है, इसी चला देना, चला दो इसी। दूसरा संकल्प सत्य यह भी है, आप जागरूक और पढ़े लिखे कितने हैं? कोई भी खड़ा होकर के यकायक ही अपने लॉन में से खड़ा होकर कहे कि भाई इन्होंने फ्री वायदे किए थे और अब पैकेज मांग रहे हैं, आपको अंतर पता होना चाहिए पैकेज का कि पैकेज क्या होता है। आपको पता होना चाहिए केंद्र क्यों दे, आपको पता होना चाहिए राज्य क्यों मांग रहा है। और ये बात कि मैं मानता हूँ, मैं अगर कुछ जानता हूं देश के विषय में, अगर 14 साल से लगा हुआ इस फील्ड में काम कर रहा हूं, मैं ये मानता हूं कि भगवंत मान ने फिर देर की, शपथ ग्रहण से भी पहले पहुंच सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, एक नेता के रूप में चले जाते। पर उन्होंने जाकर के कोई ना तो पंजाब का मान घटाया है, ना अपना सम्मान घटाया है। जब देश सर्वोपरि हो जाता है, कोई ईगो एटीट्यूड एरोगेंस नहीं रह जाती, कोई नीचे ऊपर लगने जैसी बात नहीं है। उनका संकल्प था अगर पंजाब को बचाना, तो पंजाब बचाने के लिए जिसके आगे हाथ फैलाने पड़े मैं साथ खड़ा हूं, वो फैलाएं। लेकिन जब मुझे ये दिखने लगेगा कि अपनी फोकी ईगो एटीट्यूड और एरोगेंस की वजह से केंद्र से फंड नहीं ले रहे, लेकिन पंजाब के लोग त्रस्त हैं, मैं जम करके खिलाफत करूंगा इसी रिकॉर्ड के ऊपर। समझ में आई? ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर मुझे मेरे क्लास में मेरे बच्चे प्यासे हैं, मुझे दिखता है मुझे बगल वाले से बाल्टी पानी मांग के लाना होगा, चाहे मेरी पीछे पार्किंग को लेकर के उससे कितनी बहस हुई हो, लेकिन अगर यही एकमात्र अवसर है, मैं एक क्षण नहीं लगाऊंगा उसके पास जाकर के पानी लाने में। कोई दिक्कत की बात नहीं, प्रयास हमें करते रहना है। हम नेता हैं, जो लोग हमारे पीछे खड़े हैं वो हम पर आश्रित हैं, हम पर देख रहे हैं, हम उनकी प्रेरणा है। यदि हमारी एरोगेंस और ईगो उनका हम पर जो आश्रय है उससे भी अधिक बढ़ जाएगी, तो फिर हम नेता होने का अधिकार कहां से रखते हैं? नैतिकता ही गवा चुके हम। तो ऐसे ड्रामे पंथियां नहीं होनी चाहिए। सेंटर स्टेट को मिलके ही चलना है। सेंटर की गति नहीं है स्टेट के बिना,
स्टेट की प्रगति नहीं है सेंटर के बिना, ये पता होना चाहिए सबको। इसमें अपन चूके बर्बादी, यही ड्रामा है एक सबसे बड़ा। आई बात समझ में? बाकी रही फेवरेटिज्म की बात, बाकी रही वो सारी बात, तो मैंने आपको बताया हर कोई अपने अपने पीछे खड़े लोगों को खुश करने में लगा हुआ है, और वो तो बात बात पे। उसके ऊपर तो प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछने का एक लेक्चर बनाने वाला हूँ मैं, कि प्रधान मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरे आपसे कुछ सवाल है। मेरे आदरणीय है तो मैं कर सकता हूँ, जिनको हम आदरणीय मानते हैं हम उनसे सवाल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे फिर? हमने कोई उनसे मुफ्त योजनाएं मांगी है? हमने कोई उनसे मांगा कुछ? सवालों के जवाब तो मांग के रहेंगे भाई, क्योंकि आदरणीय बनाया है तो किसी कारण से बनाया है। हमें जन्म से तो नहीं बताया गया था वो आदरणीय है, और कोई आगे मंच पे गया आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम इसलिए तो नहीं मानेंगे। आदरणीय है क्योंकि उनमें आदर करवाने योग्य दक्षता है, इसलिए उन्हें प्रश्नों के उत्तर तो देने होंगे, और हम करेंगे कि युवा के रूप में, और आने वाले एक दो दिन में लेक्चर बनाऊंगा मैं वो वाला। समझ में आई बात? तो ये कहानी थी भाई। लीगल ग्राउंड टेक्निकली राज्य केंद्र से मांगता है, मांगना चाहिए, केंद्र राज्य को देता है, उसमें देखना पड़ेगा कि केंद्र किस व्यवस्था के तहत देगा, उसको किस जगह से निकाल के देगा, लेकिन राज्य को खड़ा करने की जिम्मेदारी केंद्र की है। केंद्र कभी नहीं बच सकता इसमें से। अगर पंजाब राज्य क्योस में जाता है, अगर पंजाब बदहाली में जाता है, भारी भारी नुकसान केंद्र को ही होगा इसका। केंद्र नुकसान में जाएगा इसकी वजह से, और मने देश नुकसान में जाएगा। जो अगर पंजाब में बेरोजगारी बढ़ती है, अगर पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी आ जाती है, अगर पंजाब बैंक्रप्सी की ओर जाता है, सीधा सीधा नुकसान केंद्र को है, देश को है। तो इसका तो सुधार करना ही पड़ेगा, दैट इज ऑल। ये बिल्कुल वैसा है यार, अगर एक घर में एक माता पिता की एक संतान बर्बादी में जा रही है, घर बर्बादी में जा रहा है ना मेरे भाई, तुम इसको ऐसे इमेजिन करो। लेकिन जब वो संतानें प्रगति कर रही हैं तो घर प्रगति कर रहा है। ध्यान से देखो जरा, जब माता पिता रिटायर हो गए लेकिन घर में नई नई गाड़ियां घोड़े आ रहे हैं, तो वो जो पार्क में जाते हैं शाम को, उनकी जो वहां पर टॉवर बनती है वो किस वजह से बन रही? घर प्रगति कर रहा है ना घर। तो द यूनिट इज द घर, दैट होल घर। ऐसे ही अपना देश है, जैसे घर प्रत्येक घर के सदस्यों से बनता है, ऐसे देश प्रत्येक राज्य से बना है। जैसे घर प्रत्येक कमरों से बनता है, आपका घर कैसा घर होगा? दीवारें मजबूत, छत कमजोर। आपका घर कैसा घर होगा? दीवारें छत मजबूत, फ्लोर कमजोर। आपका घर कैसा घर होगा? दीवार छत और फ्लोर मजबूत, दीवारें कमजोर। घर को घर रहने के लिए प्रत्येक कमरे का प्रत्येक अंग मजबूत, जैसे देश को देश रहने के लिए प्रत्येक राज्य की प्रत्येक परिस्थिति का मजबूत होना चाहिए, तभी देश प्रगति करता है। आई बात समझ में? और ऐसे ही देश चलता है भाई। सामने बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री हैं, कोई नरेंद्र मोदी या कोई बीजेपी या कोई कुछ नहीं, प्रधानमंत्री हैं। वो प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण कर चुका है राष्ट्रपति से, अब वो कहाँ किस बीजेपी, अब वो प्रधानमंत्री हैं। और एक मुख्यमंत्री का अधिकार है प्रधानमंत्री से अपने राज्य के हित के लिए बात करना, कुछ मांगना, और प्रधानमंत्री को आगे होके वो प्रधानमंत्री हैं। ये मुख्यमंत्री इस नाम से ही ये स्थापित होता है कि वो इनके भी कुछ लगते हैं, क्योंकि राज्यों का सर्वोच्च मंत्री भी प्रधानमंत्री नहीं कहलाता, केवल मुख्यमंत्री कहलाता है। वो प्रधानमंत्री हैं, अपने मंत्रियों में भी और समस्त राज्यों के मुख्यमंत्रियों में भी वो प्रधान हैं। तो प्रधान के ही ना पास जाएंगे, गाँव में पंचों को समस्या हो जाएगी तो किसके पास जाएंगे? ग्राम प्रधान। ये तो कैसा हुआ, अपने वार्ड के काउंसलर कह रहे हैं कि भाई ग्राम मैं प्रधान के पास गया था, वो कहेंगे चलो बेशरम हो गया तेरा, अब वार्ड की ग्रोथ के लिए प्रधान के पास चला गया। वो बैठ के सोचे प्रधान के पास ना जाऊं तो किधर जाऊं फिर, प्रधान जब सारे वार्ड ग्रो करेंगे तो तुम तारीफें तो प्रधान की करोगे। वो जर्मनी जा करके, वो बेल्जियम जा करके, वो रूस जा करके, अमरीका जा करके, यूक्रेन जा करके, फलाना ढमकाना कहीं भी जा करके, अपन जब ये कहते हैं कि 125 करोड़ भारतीय, जब अपन कहते हैं $5 trillion, तो भाई उसमें 4 करोड़ जनसंख्या पंजाब की भी होती होगी, उसमें अनाज और गेहूं पंजाब का भी है। तो जब हम डंके की चोट पर पंजाब को इन कैश कर रहे हैं, तो पंजाब भी तो पूरी मोहब्बत से आपको गले लगा लगा करके आपकी जेब से सारे सिक्के निकालेगा। ये तो वैसा रिश्ता है दोनों का, प्यार मोहब्बत का, ये निभाना ही पड़ेगा। तो राजनीति में ऐसी कोई लड़ाई नहीं होती, राजनीति में ऐसी कोई ऐसी एरोगेंस नहीं होती, ऐसा एटीट्यूड नहीं होता, ईगो नहीं होता, अपन को बस काम करना होता है। वो केंद्र में देश के लिए कर रहे हैं, भगवंत मान को राज्य में जनता के लिए करना होगा, दैट इज ऑल। ओके भाई, इतना ही समझाना चाहता हूँ। बाकी इनके दो प्रश्न हैं वो रह गए, कामकाज बहुत लंबा है, इतना भी लंबा चलाना अच्छा नहीं रहता। आजकल सुना है लंबे लंबे वीडियो भी लोग नहीं देखते,
होना सारे लंबा चाहते हैं, ऊंचा जाना चाहते हैं, लेकिन देखना छोटा छोटा चाहते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम फिर भी काफ़ी लंबा दिखाते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं। आज इसे यहीं रोकते हैं, अगले सवाल अगली कड़ी में कर लेंगे। ओके, बाकी प्रधानमंत्री से सवाल पूछ नहीं है, उसमें पूछ लेंगे।